नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर के लोगों पर आर्थिक संकट, पानीपट्टी कर होगा दुगुना। बार्षी टाकली के थाना प्रभारी को लेकर असंतोष। कंटेनर चोरी प्रकरण को सिटी न्यूज की पहल के बाद जारी नोटिस। और मनपा की सभाएं बनी अधिकारी व पार्षदों के मजाक का विषय। अब समाचार विस्तार से। अकोला मनपा की सर्वसाधारण सभा में पानीपट्टी कर को दुगुना करने का निर्णय लिया है, जिसके कारण नागरिकों में नाराजी व्याप्त हो गई है। अकोला महानगर पालिका की विशेष सर्वसाधारण सभा सोमवार 18 जुलाई को ली गई। शालेय छात्र को गणवेश वितरण, आधुनिक नाट्यगृह, दो कार्यो का स्थायी समिति की मंजूरी, इन विषयों को मंजूरी दी गई। खाद पर ऑक्ट्राय कर माफ करने का निर्णय प्रलंबित रखा गया। इस सभा में पानीपट्टी कर में वृद्धि जैसा महत्वपूर्ण विषय भी था। इस विषय को अभी तक टाला जा रहा था। शासन के भय से पार्षदों ने पानीपट्टी कर बढ़ाने को रजामंदी दी, परंतु यह पानीपट्टी कर दुगना कर दिया गया। यदि पानीपट्टी कर को थोड़ा बढ़ाया जाए तो नागरिक इसे सह लेते, लेकिन दुगना कर बढ़ा दिए जाने के कारण अब लोगों की नाराजगी का खामियाजा पार्षदों को भुगतना पड़ेगा, यह बात निश्चित है। बार्षी टाकली के थाना प्रभारी पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए जाने के कारण यहां कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने बार्षी टाकली पुलिस थाने को भेंट दी थी। इस दौरान ग्रामीण इलाकों सहित सभी स्तर के 100 से अधिक नागरिकों ने एसपी साहब के सामने थाना प्रभारी भोज की दबंगई के कारनामे रखे। रेडवा का बंदूक प्रकरण सुनकर एसपी भी अवाक रह गए और उन्होंने गाँव वालों को अकोला मुख्यालय में मिलने के लिए बुलाया। आतंकवादी भी एकाएक कनपट्टी पर बंदूक नहीं लगाते हैं, परंतु थाना प्रभारी ने गढ़चिरौली पैटर्न यहां चलाया, जिसके कारण नागरिकों में भय के साथ असंतोष फैल गया। आने वाले समय में कई त्योहार है, ईद, पोला, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव जैसे बड़े त्योहार, वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी की मनमानी और नागरिकों में फैले असंतोष के कारण बार्षी टाकली पुलिस थाने की हद की कानून व्यवस्था खतरे में आ गई है। जनता का आक्रोश संवेदनशील त्योहारों में खुलकर बाहर आ सकता है, जिसे देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी भोज को पुलिस मुख्यालय में भेजे। इस मांग के लिए कुछ लोगों ने अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री राठौर से भेंट कर उनके सामने थाना प्रभारी का लेखा जोखा रखा। रेड़वा के रामतीर्थ राठौर के घर 8 जुलाई की रात 10 बजे MH 30888 क्रमांक की टाटा सुमो से थाना प्रभारी भोज व कांस्टेबल अरुण गोपनारायण पहुंचे। घर पहुंचने के बाद रामतीर्थ की कानपट्टी पर रिवॉल्वर लगकर देशी शराब की 20 पेटियां व 10,000 नगद लेकर चले गए। विशेष बात यह है कि यह माल पुलिस थाने में जमा न करते हुए शराब किंग गोविंद आखड़े व जंग बहादुर ठाकुर को परस्पर बेच डाला। मुगलाई को भी शर्मिंदा करने वाली इस घटना की आप बीती रामतीर्थ राठौर ने व्यक्त की। 8 तारखेला शुक्रवार PSI हे भोज साहेब माझ्या घरी आले रात्रीचे 10 वाजता आणि तुमच्या घरी दारू आहे म्हणून म्हटलं। सोबत कोण होते? आणि सोबत दोन पोलीस वाले होते, एक गोपनारायण म्हणून सांगत होते। त्याच्यात मग त्यानं माझ्या डोक्याला रिव्हॉल्वर लावून दिली। माझ्या घरामध्ये 20 पेटी माल होते, मी घेऊन गेले नंतर 20 पेटी माल। आता मी पूर्ण कुटुंब अरेस्ट करतो म्हणून मी ते ढाकाखाली मग 20,000 रुपये मागून आले होते। मी 10,000 रुपये दिले त्यांना, नंतर म्हणून ठीक आहे म्हणजे आणखी पुन्हा 10,000 घेऊन या म्हणे। मी दुसऱ्या दिवशी म्हणून दिलं म्हणून दारू काय केली त्याच्यानंतर माझ्यावर केस नाही केली, काही नाही केली। मी विचार केला की आपल्या इतकं माल गेला आणि केस सुद्धा नाही, कसं काय होणार? किती दारू होती? 20 पेटी म्हणजे किती रुपयाचा माल होता? 29,000 रुपये दारू आणि 10,000 रुपये दिले। तुम्ही 10,000 रुपये नगदी दिले का? 39,000 रुपये दिले। 10,000 कोणाला दिले? माझ्या साहेबांना। कुठे?
तर मी जेव्हा मग विचार केला एक दोन दिवस की बाबा हे काय करायचं आता, मी चूक बसलो. मग काही लोकांनी मदत केली, मग की तुम्ही काहीतरी करायच्या सिटी न्यूज द्वारा मनपा के कंटेनर की दिन दहाड़े चोरी कर बेचने के प्रयास के समाचार को देखते ही महापौर ने आरोग्य विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी की. अकोला महानगर पालिका की मालमत्ता का कोई वाली नहीं है. महानगर पालिका की लाखों रुपए की संपत्ति लावारिस अवस्था में पड़ी है, जिसकी देखरेख व सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है. मनपा ने लाखों रुपए खर्च कर कचरा इकट्ठा करने के लिए लोहे के कंटेनर खरीदे थे जो सड़ने लगे हैं. एक कंटेनर को तो दिन दहाड़े चुरा कर बेचने का प्रयास किया गया था, जिसका फिल्मांकन कर सिटी न्यूज पर प्रसारित किया गया था. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए महापौर श्री सुरेश पाटिल ने आरोग्य विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी की है. इसकी शिकायत पुलिस में भी की जाने की जानकारी श्री पाटिल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी. अकोला महानगर पालिकेची कचरा पेटी विकण्याचा जो प्रकार सिटी चॅनलद्वारे उघडकीस आला आणि त्या प्रकरणामध्ये सिटी चॅनलच्या कॅमेरामॅनसोबत जे काही घटना घडली याबद्दल सिटी चॅनलनं अकोला महानगरपालिकेमध्ये तक्रार केल्यानंतर सुद्धा त्यावर आतापर्यंत काही कारवाई झाली नाही, ही फार गंभीर बाब आहे. या प्रकरणी आम्ही आता संबंधित विभागाला कारणे दाखवा नोटीस देऊ. महानगरपालिका की सभाएं कुछ अधिकारी व पार्षदों की वृत्ति के कारण मजाक का विषय बनकर रह गई है. अकोला महानगरपालिका शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. अकोला महानगर की जनसंख्या 8 लाख के करीब है. लाखों लोगों के प्रश्नों, समस्याओं, सुविधाओं को हल करने के लिए महानगरपालिका है. पूरे अकोला शहर का विभाजन 71 वार्डों में किया गया है. 71 पार्षद 8 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं. मूलभूत सुविधाओं से लाखों लोगों को वंचित रखने का महापाप इसी मनपा ने किया है. महानगर पालिका की लगभग सभी सभाओं का फिल्मांकन सिटी चैनल ने करते हुए सिटी न्यूज के माध्यम से घर घर पहुंचाया है, जिसके कारण मनपा को लेकर लोगों को निराशा ही हाथ लगी है. महानगर पालिका की सभी सभा यानी अधिकारी व पार्षदों के लिए हंसी चिटोली का विषय बनकर रह गया है. विशेष बात यह है कि विशेष सभा में किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए इसके कुछ नियम है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. अधिकारी सभा में नींद लेते हैं, जिसके कारण सभा में क्या चल रहा है इसका भान तक उन्हें नहीं रहता है, जो हमेशा का काम हो गया है. कुछ पार्षदों का रवैया भी बचकाना होता है. कभी वे क्या पूछ रहे हैं उन्हें ही नहीं पता रहता है. मन में कुछ और बोलते कुछ और है. कभी मोबाइल पर बोलते रहते हैं तो कभी मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं, तो कुछ महाशय मोबाइल पर एक दूसरे का फोटो निकालते रहते हैं. उनके लिए मनपा की सभा केवल टाइम पास करने का विषय बनकर रह गई है. अधिकारी व पार्षदों के इस प्रकार की वृत्ति के कारण मनपा की सभाएं मजाक का विषय बन गई है, जिसको लेकर आम आदमी को घोर आश्चर्य हो रहा है. स्थानीय गीतानगर में स्थित जैन मंदिर में चोरी हो गई. मंदिर के पिछले दरवाजे से प्रवेश कर इस चोरी को अंजाम दिया गया. शहर के गीतानगर स्थित श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय के जैन मंदिर में बीती रात चोरी के कारण जैन धर्मावलंबियों में नाराजी व्याप्त हो गई है. इस जैन मंदिर के पिछले भाग के लोहे के दरवाजे की ग्रिल टेढ़ी कर अज्ञात चोरों ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और दान पेटी चुरा ली. बाद में दान पेटी फोड़कर नकदी गायब कर दी और दान पेटी को मंदिर के अहाते में ही फेंक दिया. गौरतलब है कि इसी जैन मंदिर में पिछले 1.5 साल में यह चोरी चौथी बार हुई है. इस इलाके में रात के समय पुलिस की गश्त न रहने के कारण चोरियों का प्रमाण बढ़ गया है. इस चोरी की शिकायत पुराना शहर पुलिस थाने में की गई है. आगे की जांच पुलिस कर रही है. अपनी विविध मांगों को लेकर आदिवासी छात्रावास के छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं. अपनी विविध मांगों को लेकर आदिवासी छात्रावास के विद्यार्थी 18 जुलाई से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे. इस विद्यार्थियों को शिकायत है कि सुविधा के नाम पर इस छात्रावास में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है. छात्रों को शिकायत है कि इस छात्रावास में पलंग, टेबल, कुर्सी, आईना, बकेट, पीने का पानी जैसे अनेक समस्याएं हैं. खाना भी अत्यंत निकृष्ट दर्जे का दिया जाता है. गृहपाल सुरेश वराडे तथा सहायक प्रकल्प अधिकारी श्री अगम के रवैये को लेकर छात्रों में काफी रोष व्याप्त है. इन दोनों ने झूठे आरोप लगाते हुए छात्रावास के 5 छात्रों को छात्रावास से निकाल दिया है, जिसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है. छात्रों की मांग है कि गृहपाल एवं सहायक प्रकल्प अधिकारी पर कार्रवाई की जाए तथा 5 निलंबित छात्रों को अविलंब छात्रावास में प्रवेश दिया जाए.
इस समय एक छात्र ने सिटी न्यूज से बात की। समस्या होत्या तो या समस्या मध्ये आम्ही वारंवार वरिष्ठांना निवेदन दिले, माझं एक वर्ष पण त्याच्यामध्ये निवेदनामध्ये गेलं, पण यांनी आमच्या मागण्या काही पूर्ण केल्या नाही आणि त्यांनी आमच्या 5 विद्यार्थ्यांना यावर्षी निलंबित केलं। त्यांनी आमच्यावर खोटे आरोप लावले वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, त्याच्यामध्ये सहायक प्रकल्प अधिकारी अगम साहेब आम्ही यांना खूप वेळा कळवलं की आमची हॉस्टेलला ऍडमिशन यावर्षी करा, पण ते म्हणाले की आम्ही करत नाही म्हणून, तर त्यांनी आमचं निलंबन केलं। अकोला रेल स्थानक चौराहे पर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे का स्मृति दिन मनाया गया। सोमवार 18 जुलाई को अकोला रेल स्थानक चौराहे पर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे का स्मृति दिन मनाया गया। रेल स्थानक के इस चौराहे को अण्णाभाऊ साठे चौक नाम दिया गया है। यहां लगी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस स्मृति दिन कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने लोकशाहीर श्री साठे के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों और कार्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस स्मृति दिन कार्यक्रम के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश जाधव सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्रावण मास का आरंभ हो चुका है। हिंदू भाषियों का यह पहला श्रावण सोमवार है। इस समय शहर के अनेक मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। आज का सोमवार हिंदी भाषियों का पहला श्रावण सोमवार है। श्रावण मास शिव मास के रूप में सभी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण मास में शिव भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। सृष्टि मूलतः शिव एवं शक्ति के मेल का प्रतीक है। भगवान शिव श्रावण मास के अधिष्ठाता माने जाते हैं। भोले शंकर जल प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। इसलिए उनके पूजन में विविध कर्मकांडों की जगह समर्पण तथा श्रद्धा को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसके मद्देनजर शहर के राजराजेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। श्रावण मास के इस पुनीत अवसर पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर परिसर में छिड़काव करके परिसर को स्वच्छ किया गया, पूरा मंदिर प्रकाशमय किया गया। मंदिर परिसर में फूलों, प्रसाद, नारियल तथा अन्य पूजन सामग्री की दुकानें सजी थी। एहतियात के तौर पर पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। सैकड़ों भक्तों ने इस समय राजराजेश्वर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। अकोटफेल्ट परिसर पूरी तरह गंदगी की गिरफ्त में आ चुका है। यहाँ के निवासियों को शिकायत है कि पार्षद का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। अकोटफेल्ट स्थित मटन मार्केट तथा मच्छी मार्केट की पूरी गंदगी यहाँ के नाले व नाली में डाली जाती है। इसके अलावा परिसर के कई लोग अन्य प्रकार का कचरा भी इसी जगह डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का नाला और नाली पूरी तरह चौकअप हो गई है। परिसर के लोगों का आरोप यह है कि पार्षद किशोर मानवटकर का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। इसी वार्ड की एक महिला ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिटी न्यूज से बात की। नहीं वो भी नहीं आ रही यहाँ पर, बस बोलते हाँ आएंगे ना, बार आएंगे ना, रहती नहीं अभी ऐसा बोल रहे हैं। दादा ने बोले तो सब काम करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। घड़ी घड़ी हम जा रहे हैं उनके पास, वो सुन नहीं रहे हमारी। यह बात सच है कि इस परिसर के कई इलाके गंदगी की गिरफ्त में है, लेकिन अपने परिसर को स्वच्छ रखना नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। अगर सभी नागरिक सही जगह पर कचरा डाले तो ऐसी समस्याएं खड़ी नहीं होती। इस परिसर में मटन मार्केट तथा मच्छी बाजार तो है, नागरिकों को कचरा फेंकते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसी सभी वार्ड के लोग करें तो बीमारियां तथा परेशानियां कम प्रमाण में दिखाई देगी। स्थानीय वाशिम बाईपास पर स्थित पशु बाजार पूरी तरह अतिक्रमण की गिरफ्त में आ गया है। मनपा द्वारा इस जगह अविलंब पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थानीय वाशिम बाईपास पर पशु बाजार है। इस पशु बाजार में सैकड़ों पशुओं की रोजाना खरीद फरोख्त होती है। अकोला के पास स्थित अन्य देहातों से भी कई लोग अपने मवेशी लेकर रोजाना यहां आते हैं। इस वजह से यहां भारी भीड़ रहती है। मवेशी खरीदने तथा बेचने वाले कई लोग दुपहिया वाहन पर आते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों के वाहन भी यहां बड़ी तादाद में खड़े किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर वाहन बेतरतीबी से खड़े किए जाने के कारण अन्य नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मार्ग पर वाहन खड़े किए जाने की वजह से बड़े प्रमाण में यातायात भी बाधित होता है। मनपा द्वारा इस जगह अविलंब पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुराना शहर पुलिस तथा शहर यातायात कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते यहां कार्रवाई नहीं की जाती। इस जगह अगर तरतीबी से वाहन खड़े किए जाए तो यह समस्या काफी प्रमाण में कम हो सकती है। गणेश संकट चतुर्थी के अवसर पर शहर के सभी गणेश मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। भगवान गणेश का स्थान सभी ईश्वरों में अग्रक्रम पर माना जाता है।
शिव तथा पार्वती के प्रिय पुत्र तथा अति बुद्धिमान होने की वजह से गणेश को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने के पहले गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। चतुर्थी के उपलक्ष्य में शहर के सभी गणेश मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुबह से ही गणेश मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। मंदिरों के बाहर फूलों, नारियल तथा पूजन विधि के संबंधित सभी चीजों की दुकानें सजी हुई थी। गणेश पूजा में दुर्वा का विशेष महत्व है। कुल मिलाकर शहर के सभी गणेश मंदिरों में स्त्री पुरुष बच्चों व बूढ़ों की अप्रत्याशित भीड़ देखी गई। शबे बारात के मद्देनजर सभी मुस्लिम भाइयों ने कब्रिस्तान जाकर अपने दिवंगत परिजनों को याद किया। इस समय शहर के सभी कब्रिस्तानों पर रोशनाई की गई। रविवार की रात मुस्लिम भाइयों द्वारा शब ए बारात शांतिपूर्वक मनाई गई। शब ए बारात पर शहर के मुस्लिम कब्रिस्तानों पर बिजली की रोशनाई की गई थी और कब्रिस्तानों के बाहर फूलों, अन्न आदि की दुकानें लगाई गई थी। हजारों मुस्लिम भाइयों ने शब ए बारात पर कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों को याद किया और प्रार्थनाएं की। शब ए बारात को शांतिपूर्वक बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा 6 पुलिस निरीक्षक, 10 पुलिस उपनिरीक्षक, 300 पुलिस कर्मी एवं 64 फिक्स प्वाइंट लगाए गए थे। इसके अलावा सभी इलाकों में रात की गश्त भी बढ़ाई गई थी। मुस्लिम भाइयों ने सारी रात जाकर पूर्वजों के लिए प्रार्थना की। शब ए बारात पर मुस्लिम भाई कब्रिस्तान जाकर अपने दिवंगत बुजुर्गों को याद करते हैं और उनकी कब्रों पर चादर, फूल, अन्न आदि चढ़ाते हैं। राजराजेश्वर मंदिर के पास स्थित दत्त मंदिर के सामने एक विशाल तथा विलोभनीय रंगोली निकाली गई। शिव पार्वती की यह रंगोली पिछले 15 वर्षों से अबाधित रूप से निकाली जा रही है। हिंदी भाषिकों का श्रावण मास आरंभ हो गया है। श्रावण मास के पहले सोमवार को देखते हुए रंगोली कलाकार प्रवीण पवार ने श्री राजराजेश्वर मंदिर के पास श्री दत्त मंदिर में शिव पार्वती की अत्यंत आकर्षक रंगोली निकाली, जो सभी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। रंगोली कलाकार प्रवीण पवार पिछले 15 वर्षों से श्रावण मास में इस प्रकार की रंगोलियां निकाल रहे हैं। भगवान शिव व पार्वती की इस रंगोली को निकालने में 18 घंटों की अवधि लगने की जानकारी प्रवीण पवार ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। सभी आपला वासियों को आने वाले श्रावण के सोमवार की बधाई शुभकामनाएं। राजराजेश्वर मंदिर के पास में जो दत्त मंदिर बनाया है, वहाँ पर मैं हर साल की तरह इस साल भी रंगोली बनाया हूँ। करीबन मुझे यहाँ पर 15 सालों से मैं यहाँ पर रंगोली बना चुका हूँ और बना रहा हूँ। आज की रंगोली शिव और पार्वती को समर्पित की गई है। इसे बनाने के लिए करीबन 18 घंटे लगे। स्थानीय निम्बौड़ी परिसर स्थित पत्रकार भवन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जिले के अनेक पत्रकार मौजूद थे। कई लोग वृक्षारोपण तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वे उस नन्हे से पौधे को भूल जाते हैं। जरूरत यह है कि वृक्षारोपण करने के बाद कथित पौधों को पूरी तरह फलने फूलने दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अकोला जीन ब्रिगेड की ओर से निम्बौड़ी स्थित पत्रकार भवन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर अकोला परिसर में वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्ष संगोपन का कार्य भी बड़े ही जोश खरोश के साथ किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों की वजह से शहर का पूरा परिसर कुछ ही वर्षों के बाद हरा भरा हो सकता है। इस समय अकोला जिले के सभी पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित देखे गए। आज का तापमान कुछ इस तरह से। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर के लोगों पर आर्थिक संकट, पानीपट्टी कर होगा दुगुना। बार्षी टाकली के थाना प्रभारी को लेकर असंतोष। कंटेनर चोरी प्रकरण को सिटी न्यूज की पहल के बाद जारी नोटिस। और मनपा की सभाएं बनी अधिकारी व पार्षदों के मजाक का विषय।
फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।